तीन स्टेटमेंट्स लिखो। तीन स्टेटमेंट्स, नंबर वन, और बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होएगी। ठीक है, ऑप्शंस दे देंगे। ओके, इफ अ कंपनीज ऑपरेशंस जेनरेट, चलो एक मिनट ये काटो, स्टेटमेंट लिखो, इफ अ कंपनीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इफ अ कंपनीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन वन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन वन, देन द डेट इज हेल्पिंग फ्यूल या पुश ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। ठीक है, ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, क्लियर। स्टेटमेंट टू, लो डेट लेवल कैन बी व्यूड एज एन इंडिकेटर ऑफ, लो डेट लेवल कैन बी व्यूड एज एन इंडिकेटर ऑफ टाइट ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट, द लेवरेज रेशियो असेसेस द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, पढ़ना जरा और बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है 1, 2, 3 में से। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? नाम से क्या पता चलता है? यस एग्जैक्टली, आपकी कितना आपकी अर्निंग्स है जो आपका इंटरेस्ट कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक महीने के इंटरेस्ट पेमेंट 50 रुपीज है और आप कमाते हो हर महीने 60 रुपए, ठीक है, तो यार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड बी 60/50। क्लियर, इट इज ग्रेटर देन वन, 60/50 इज ग्रेटर देन वन। व्हाट इफ आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है 50 रुपए और आप कमा रहे हो 40 रुपए, तो आप इंटरेस्ट तो पे नहीं कर सकते अपना, राइट? इस केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड बी लेस देन वन। मेक सेंस? तो जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन वन होती है तो कंपनी वायबल होती है, चल सकती है, और जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन वन होती है तो कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, इंटरेस्ट तो पे नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं कमा रहे। नाउ पूछा क्या हुआ था कि अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन वन है तो जो आपने डेट उठाया है वो आपकी ग्रोथ ही फ्यूल करेगा। ट्रू, मेक सेंस? ग्रोथ के लिए डेट उठाते हो तो वो आपकी ग्रोथ फ्यूल करेगा। अगर इंटरेस्ट रेशियो लेस देन वन है तो कुछ भी नहीं, आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हो। मेक सेंस? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बताओ फिर, व्हाट आर ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होते हैं? रेलवेज में आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो चल रहा है 98%, ऑपरेटिंग रेशियो चल रहा है 96%, क्या होता है? हाँ जी, हाँ, ऑपरेट करने में जा रहे हैं, सरप्लस ही नहीं इतना बच रहा ताकि आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सको, इंटरेस्ट पे कर सको, अगर लोन उठाया हुआ है। तो टाइट ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? कि कम है
ऑपरेशन टाइट ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब मार्जिन जो आप कमा रहे हो अबव ऑपरेशन वो कम है, ठीक है। तो अगर आपका लेवल ऑफ डेट लो है तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम है, है ना, तो टाइट ऑपरेटिंग मार्जिन होंगे कि नहीं होंगे। चलो ऑपरेटिंग मार्जिन समझ आ गया, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, बताओ ये स्टेटमेंट सही है नहीं, हां के ना, ट्रू है कैसे? एग्जैक्टली जब आपके ऑपरेटिंग मार्जिन कम है तो आपका डेट का लेवल लो होगा, लो ही करोगे, क्यों करोगे? नहीं तो अगर ज्यादा डेट उठा लोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा जाएंगी, ऑपरेटिंग मार्जिन आपके कम है तो कैसे करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे पे करोगे, मेक सेंस, ठीक है। और थर्ड, लेवरेज रेशियो असेसेस द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लेवरेज रेशियो क्या होता है, एक्चुअली ये देखता है कि आपका डेट, आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है डेट पे करने की। लेवरेज रेशियो मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, एक होता है डेट टू एसेट्स रेशियो, ठीक है। ये क्या बताता है, जितना ज्यादा डेट टू एसेट रेशियो होगा, मतलब 100 रुपए की कंपनी है डेट उठा लिया 150 रुपए का, पे कर सकता है वो नहीं। इक्विटी, पैसा उठाया हुआ इक्विटी से आपने 100 रुपए पर डेट उठा लिया, लोन उठा लिया 200 रुपए का, ओवर लेवरेज कहते हैं इसे। कोई कंपनी ओवर लेवरेज मतलब असासे कम है आपके पास, एसेट्स कम है पर डेट बहुत ज्यादा उठा लिया। कई कंपनीज बहुत ज्यादा जब डेट उठा लेती हैं जबकि उनके पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। बैंक आपको जब लोन देता है किस बेसिस पे लोन देता है, आप पे कर सकोगे, तो वो क्या जानने की कोशिश करता है, आपकी आईटीआर कितनी है, आपके पास कितना मकान है या कितने प्रॉपर्टी है, कितना आपका कोलैटरल है, वो आपके एसेट्स चेक करना चाह रहा है, उसी बेसिस पे डेट देता है। तो जितना आपका डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू एसेट्स रेशियो ज्यादा होएगा उतना आपका डेट पे बैक करने की प्रोबेबिलिटी कम होएगी, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, यही बता रहे हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो स्टेटमेंट दोबारा लिखो, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम या स्कीम PDPS, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम इज अ सब कंपोनेंट ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम। PDPS इज अ सब कंपोनेंट ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम। स्टेटमेंट नंबर टू, PDPS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम is presently applicable only to pulses. ये सुना? PM आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। इसके तीन कंपोनेंट करे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्कीम निकाली है, इसके तीन कंपोनेंट है। एक का नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम, एक का नाम है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और एक का नाम है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट इनकरेज करने के लिए। ये स्कीम है जिसके ये तीन सब कंपोनेंट्स हैं। PDPS इज नॉट अ सब कंपोनेंट ऑफ ये, PSS इज ऑलरेडी अ सब कंपोनेंट, मेक सेंस। और ये तीसरा क्या है, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, क्या है ये? अब मैं स्कीम बता देता हूं क्या है। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइस फार्मर्स को रेन्यूमरेटिव प्राइसेस मिले, फायदा हो ठीक ठाक, ऑलराइट। तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस सपोर्ट स्कीम निकाली है कि एमएसपी का फायदा सब तक पहुंचे। दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, वो क्या होता है, व्हाट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम? एग्जैक्टली, एमएसपी गवर्नमेंट ने रखा है मान लो 100 रुपए, ठीक है, और मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपीज का, तो फार्मर को तो नुकसान है। तो गवर्नमेंट पता है कहती है, तू मार्केट में 80 का बेच दे, 20 रुपए मैं बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगा। प्राइस डेफिशिएंसी जो है उसको पे कर रहे हैं। तो एक तो ये स्कीम निकाली है, और गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है फॉर ऑयल सीड्स नॉट पल्सेस। सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, है ना, एंड स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर वुड बी नाइदर। खैर, ये तीसरा कॉम्पोनेंट पता है क्या,
आपने सुना है FCI इज अ हाईली करप्ट बॉडी, अगर मेरी क्लास लगाई है तो सुना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये बोलता रहता हूं। प्लस FCI एक तरह का बर्डन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, लॉस होता रहता है। तो अब पता है क्या सोच रहे हैं ये कि इसे शिफ्ट कर दें प्राइवेट पार्टीज पे, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ले आए, FCI प्रोक्योर ना करे, प्राइवेट पार्टीज करें और गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी दे दे। प्राइवेट पार्टी करेगी तो करप्शन कम होगी। तो गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे सोच रही है कि प्रोक्योरमेंट का सारा मेथोडोलॉजी पायलट प्राइवेट पार्टीज को दे दिया जाए। हां के ना, समझ आया या नहीं? एनी डाउट्स? नहीं, चलो नेक्स्ट लिखो। ये तीन चीजें लिखना, पहले लिखो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, उसके आगे हाइफन मार्क करके लिखो इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स आइदर डिक्रीजेस, आइदर डिक्रीज और आर केप्ट स्टेडी। इंटरेस्ट रेट्स आर आइदर डिक्रीज और केप्ट स्टेडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और केप्ट स्टेडी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और केप्ट स्टेडी। नेक्स्ट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है। आपने सुने RBI बोलता है कि हम अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे आ गए, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से न्यूट्रल पे आ गए, ठीक है। साइड पे जो राइट साइड पे है वो उसका मतलब है, क्लियर। नाउ बताओ ये 1, 2, 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, 1, 2 और 3, तीनों करेक्टली मैच्ड है। थ्री ओनली इज न्यूट्रल में, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, 1 and 3। और आंसर आंसर इज नन। पहला तो नहीं है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? इंक्रीज होंगे इंटरेस्ट रेट। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होगा कि हम देखेंगे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, बट हमेशा हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज कैलिब्रेटेड तो है पर टाइटनिंग है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस डिक्रीजेस और केप स्टेडी। अकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई एक्सपैंड करनी है। एक्सपैंड कैसे करते हैं मनी सप्लाई? इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करके। तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस केप स्टेडी तो नहीं होगा, मेक सेंस, ठीक है। एंड लास्ट इज न्यूट्रल, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल में इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, पर कहते हैं कि वेट एंड वॉच ज्यादा करेंगे, यू अंडरस्टैंड, वेट एंड वॉच होगा। वैसे हम इंटरेस्ट रेट स्टेडी रखेंगे, बट अगर सर्कमस्टांसेस परमिट करते हैं तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। सो द आंसर इज नन। माय फोन इज ऑन वाइब्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। एक सेकेंड,
नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल. इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल. स्टेटमेंट टू, ग्लोबली द शेयर ऑफ नेचुरल गैस, ग्लोबली द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स, शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स हैज इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली. थर्ड, शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड इन द एनर्जी मिक्स. हां जी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी एक बार देख लो. वन एंड टू. न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ा है रीसेंट टाइम पे, इससे कौन कौन एग्री करता है? कोई भी नहीं. अच्छा, कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कोई. न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ा होगा. अच्छा, तो देख के खरबूजे रंग पकड़ रहा है, ऐसे हो रहा है? नहीं बढ़ा. ठीक है, नेचुरल गैस का बढ़ा है. ठीक है, ये ट्रिविया ही है बेसिकली. न्यूक्लियर एनर्जी का कम नहीं हो रहा, ऑब्वियसली बात है कम हो रहा. सारी कंट्री शिफ्ट करना चाह रही है. फुकुशिमा जब से हुआ है तब से फ्रांस, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है न्यूक्लियर एनर्जी पर, वो अपना बेस कम कर रहा है. वो कह रहा है कि हम नहीं डिपेंडेंट होना चाहते. जर्मनी कम कर रहा है, इंडिया एक्सपैंड नहीं कर रहा. न्यूक्लियर एनर्जी का तो शेयर कम होता जा रहा है, बढ़ किसका रहा है फिर? एक तो नेचुरल गैस तो लिखा है, और रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता जा रहा है, राइट? तो ये तो सोलर हो गया, विंड हो गया, इनकी कैपेसिटी एक्सपैंड होती जा रही है. क्लियर? सो द आंसर इज वन एंड टू. लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेंटर्स फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो स्टेटमेंट वन इज, अब इसके लिए कुछ सेंटर्स बिठाए हैं. ठीक है, सेंटर्स एस्टैब्लिश करें जो क्या करेंगे, विल एक्ट एज इंक्यूबेशन सेंटर्स. सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कैसे दुनिया को ओपन करें, एआई से, बिग डेटा से, 3D प्रिंटिंग से. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, दीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. दीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. स्टेटमेंट टू, there are four such centers established across the world. There are four such centers established across the world. ठीक है, and last, one such center is in Bangalore. किसी ने पढ़ा है ये चीज या बिल्कुल जीरो आइडिया इसका? अगर जीरो आइडिया तो आंसर पे चलते हैं. इस पे क्या तुक्का मारोगे? पेपर में मार देना, ठीक है, मतलब पर अगर थोड़ा लेजिट सा तुक्का है. ऑलराइट, बैंगलोर इज ट्रू. पक्का? नहीं. कहां पे पढ़ा? हाँ धीरज, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में ही है, बॉम्बे में. ऑलराइट, चलो अब है क्या आर्टिफिशियल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्या पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? जो गोरों ने करी थी, ब्रिटिश टाइम में हुई थी. ठीक है ना, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन बना था. सेकंड वाज जो फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाई थी, फैक्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ी थी. थर्ड वाज कंप्यूटर्स एंड आईटी, है ना, एकदम से बढ़ा था. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अभी हो रही है, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई वगैरह यूज हो रहा है. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट होता है डेवोस में विंटर्स में,
उसमें ये डिस्कस हुआ है कि एआई और ये अगर न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई ना, दे विल बी एक्सट्रीमली डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब जॉब्स एकदम खा जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मशीन ही आ गई, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन आ गई, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अवे जॉब्स। गूगल ने एक प्रोग्राम बनाया था, I guess I have mentioned this in the class also, प्रोग्राम बनाया था जिसने ऑर्डर करके दिखाया पिज्जा, और पिज्जा वाले को पता नहीं चला कि ये ह्यूमन है या रोबोट है। सीरी, सीरी तो सुना, चलो सीरी तो आप बता सकते हो कि कोई लड़की नहीं है, ठीक है, क्या है सीरी, मशीन है। बट नाउ अगर ऐसा प्रोग्राम बन जाए जो क्या करे, प्रॉपर ऐसे बात करे कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो सारे कॉल सेंटर्स की जॉब चली जाएगी। कितनी जॉब्स जा सकती हैं एआई से, सम पीपल से कि अगर एआई अच्छे से डेवलप हो गए तो डॉक्टर्स की भी जॉब गई। सारा मेडिकल डेटा मशीन में फीड कर दो और वो बात करेगा, डायग्नोस कर देगा प्रॉब्लम। इंजीनियर्स की जॉब चली जाएगी। जब एआई आ जाएगा तो सारी जॉब्स चली जाएंगी, तो वो दुनिया वेले बैठेंगे क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू, दिल कॉज सोशल डिसरप्शन। खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना, नहीं सुना ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सम पीपल से दैट हाउ पीपल और वर्ल्ड विल कोप अप विद दिस, तो इसी के लिए कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। उसके लिए चार सेंटर्स बनाए हैं जो डिसाइड करेंगे कि कैसा पॉलिसी होने चाहिए आगे जाके, सो दैट वी कोप अप विद दिस। उसके लिए ये चार सेंटर्स हैं। बने किसके अंडर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएन के अंडर है, हाँ पता है, नहीं पता, ये बस ऐसी हाँ है कि दो है, 50% प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज इंटर गवर्नमेंटल, जो कंट्रीज के बीच की होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटर गवर्नमेंटल है, यस नहीं, सिविल सोसाइटी भी है, कंपनीज भी पार्ट बनती हैं इसका, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, हाँ बैंगलोर तो गलत है, ठीक है, वन इज ट्रू, वन एंड टू आर करेक्ट। अच्छा हाँ लिखो, चार सेंटर्स, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, बीजिंग, बीजिंग और अब मुंबई, मुंबई। लिखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये सबने आई होप सारे कर देंगे। SLR इज अ मेजर ऑफ रिजर्व्स, SLR इज अ मेजर ऑफ रिजर्व्स दैट कमर्शियल बैंक्स, दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन, आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गोल्ड ओनली, आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गोल्ड ओनली, ठीक है, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, CRR, CRR आर दोज रिजर्व्स, That banks need to hold with RBI. That banks need to hold with RBI in the form of cash. In the form of cash. हाँ जी, one and two दो statements है, which of the following are correct? Two only. One क्यों नहीं correct है? Only लिखा हुआ है, cash में भी रख सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, चलो ट्रेजरी बिल्स का तो हो ही गया, बट कैश में भी रख सकते हैं, इट्स नॉट ओनली, पक्का। SLR कैन बी केप्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड इवन इन कैश, ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट ये दोनों ओनली। CRR पे इंटरेस्ट मिलता है, सोच लो एक बारी, बैंक के पास जमा कराते हो, CRR पे इंटरेस्ट मिलता है, बंद कर दिया था, अभी मिलता है, नहीं मिलता, बोल ही दिया जब मैंने बंद कर दिया, ठीक है, चलो। नहीं नहीं, नॉट इट सेल्फ, इट्स विद द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट लिखो,
जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पढ़ा है, जीएसपी, द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस विच क्रिएट्स एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर, विच क्रिएट्स एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, विच क्रिएट्स एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1971, वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1971 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, US Department of Commerce, option B, US Trade Representative, USTR, US Trade Representative, option C, UN Conference on Trade and Development, UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, or last is WTO. डी डब्ल्यू टी ओ के अंडर बना, कौन प्रोवाइड करता है जीएसपी? न्यूज में अभी आया था, क्या था न्यूज में, कौन सी कंट्री का नाम था? यूएसए किसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा था जीएसपी के अंडर? इंडिया के अगेंस्ट, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जीएसपी के उससे निकाल दिए थे, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी है, अच्छा पता नहीं रीजन ही है। जीएसपी सिर्फ यूएसए प्रोवाइड नहीं करता, कुछ 12-13 कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, और ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये प्रोवाइड क्या करती हैं जीएसपी के अंडर? टैरिफ, जैसे जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे आपको, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना सामान डेवलप्ड कंट्रीज में बेच सके। वो बेच पाएंगी तो ही तो बढ़ेंगी, राइट? रिच कंट्रीज के साथ साथ आएंगी, तो जीएसपी इज प्रोवाइडेड बाय क्लोज टू 13 कंट्रीज अंडर दिस, इस कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट में डिसाइड हुआ था कि ये 13 कंट्रीज, विच इंक्लूड रशिया ऑल्सो, ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑल्सो, विच विल प्रोवाइड टैरिफ एक्सेस कह रहा हूं, ट्रेड एक्सेस, ठीक है, टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इट वॉज डिसाइडेड अंडर यूएनसीटैड। जो प्रोवाइड कर रही है जीएसपी, जो ये 13 कंट्रीज है, वो डेवलप्ड हैं, और जिनको प्रोवाइड कर रही है वो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड भी हैं, अंडर डेवलप्ड भी हैं, एलडीसीज भी हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो भी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी ए आर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, लिखो बाजल नॉर्म्स, नंबर वन स्टेटमेंट, बाजल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज इन इंडिया, बाजल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज इन इंडिया। स्टेटमेंट टू, सी ए आर नॉर्म्स फॉर इंडियन बैंक्स इज 9%, स्टेटमेंट थ्री, इंडियन बैंक्स विद फॉरेन प्रेजेंस must maintain CAR of 8%, must maintain CAR of 8%. Which of the following are true? 1, 2, 3 में से none are true. Okay. पहली चीज देखते हैं,
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बाजल नॉर्म्स के तहत बताते हैं कितनी रखनी चाहिए। बाजल नॉर्म्स क्या क्या है? 8% रखनी चाहिए। इंडिया कितनी रखता है? बताया था +1। इंडिया कहता है तुम इतना कह रहे हो, हम और करके दिखाएंगे, ठीक है। 9% का हम मेंटेन करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू, ठीक है। तो अगर नॉर्मल बैंक्स लिखा हुआ है ना, खाली बैंक्स लिखा है, डिफरेंशिएटेड के लिए दे विल प्रोवाइड द वर्ड डिफरेंशिएटेड, अदरवाइज दे मीन टू से यूनिवर्सल बैंक्स। जो यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं, यूनिवर्सल बैंक्स का लाइसेंस मिलता है जिन्हें, कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दे कीप 9% वो रखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन इज क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स एनबीएफसीज के लिए होता है? व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते हैं? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, ये सरकाजम में नहीं बोल रहा, होते हैं एनबीएफसीज के लिए, होते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। आरबीआई बार बार न्यूज में बोल रहा है कि उनके लिए हायर करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स करते क्या हैं? क्यों रखने पड़ते हैं बैंक्स को? रिस्क बचाने के लिए रखना पड़ता है कैपिटल, टीयर वन टीयर टू उसी के लिए रखते हैं। एनबीएफसीज को कोई रिस्क नहीं होता। अभी रिसेंटली क्या इस क्राइसिस का नाम सुना है? ये क्या था? बैंक तो नहीं था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, उड़ गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ओवर लेवरेज थी, रिस्क कवर नहीं कर रही थी। तो एनबीएफसी के लिए भी तो होना चाहिए, है लॉजिक से बता रहा हूं, वैसे एक्चुअली होता है इनके लिए भी। हाँ, बाजल नॉर्म्स लगते हैं, ठीक है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंडियन बैंक्स विद फॉरेन प्रेजेंस मस्ट मेंटेन 8%। नहीं, इंडियन बैंक सारे 9% रखेंगे। फॉरेन प्रेजेंस, एसबीआई की भी फॉरेन प्रेजेंस है, इसका मतलब ये थोड़ी है एसबीआई 8% रखता है। एक ब्रांच बाहर खोलो, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कम कर दोगे। जो इंडियन बैंक्स के लिए नॉर्म्स है वही रखोगे, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज। पहली स्टेटमेंट, करेंसी इन सर्क्युलेशन टुडे इज मोर देन व्हाट इट वॉज जस्ट बिफोर डीमोनेटाइजेशन। करेंसी इन सर्क्युलेशन टुडे इज मोर देन व्हाट इट वॉज जस्ट बिफोर डीमोनेटाइजेशन। दिस इज स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, value of mobile banking transactions today have nearly doubled. Value of mobile banking transactions today have nearly doubled. Which of the following are correct? Two only? सच्ची बात बताऊं, both है। मोबाइल बैंकिंग भी बढ़ा है, पर डीमोनेटाइजेशन क्या था? कैश कम हो, कैशलेस हो, ज्यादा कैश हो चुका है। 14 लाख करोड़ हटाए थे, 19 लाख करोड़ का कैश हो चुका है। इट वॉज नॉट अ डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज, इट वॉज रीमोनेटाइजेशन। पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू कैश। मोबाइल बैंकिंग की भी ट्रांजेक्शन बढ़ चुकी है, बट कैश की भी ट्रांजेक्शन बढ़ चुकी है। वी आर करेंसी इन सर्कुलेशन अब ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सोचा था अचीव करने के लिए डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। बट एक चीज है कि ये ना बेसिक ट्रिविया है, और चांसेस हैं कि यूपीएससी में पूछे ना, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, पॉलिटिकल चीज नहीं होगी अगर कोई ये बोले बात, राइट? तो चांसेस कम है, ओके। राइट डाउन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एमपीसी। Consider the following statements with respect to MPC. What is MPC? Monetary Policy Committee. ठीक है, पहली statement. The implementation of inflation targeting framework. The implementation of
इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अंडर एमपीसी हैज अ स्टैट्यूटरी बेसिस ठीक है. स्टेटमेंट टू, एमपीसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एमपीसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016. हाँ जी. विच ऑफ द फॉलोइंग वन और टू में से? वन ओनली. दैट मीन्स यू मीन टू से 2016 में पहली बार नहीं बना. 15 में अग्रीमेंट हुआ था आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का. सो पहली बार 2016 में बना था. स्टेटमेंट वन क्या है? ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है. स्टैट्यूटरी बेसिस का मतलब लीगल बेसिस है कि नहीं? आरबीआई एक्ट अमेंड किया गया था उसके थ्रू ही ये बेसिस है. चलो एक तो ये दो ऑप्शंस थी. वैसे दो चार क्वेश्चंस मैं अलग से पूछना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है एज ऑफ नाउ टारगेट क्या चल रहा है? 4% चल रहा है. ठीक है, किसका? सीपीआई कंबाइंड. सीपीआई कंबाइंड को क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन. इसका चल रहा है नाउ. क्या परमानेंटली 4% प्लस माइनस 2% रहेगा? टिल 20 रहेगा. ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं होगी. नया टारगेट हर 5 साल में नया टारगेट होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिसाइड करेगी कि क्या टारगेट रखना है. तो ये टारगेट डिसाइड हुआ था 2015 में, 5 साल के लिए चलेगा, दैट इज 2020. ठीक है, अगले 5 साल बाद में आएगा. ऐसे 5 साल दर 5 साल होता रहेगा. क्लियर? अच्छा, इसके एमपीसी के अगर मिनट्स वगैरह होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिश होंगे ऑनलाइन? होंगे. अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता तो इंप्लीकेशन क्या है इसके? आरबीआई इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, है ना? दैट इंट्रोड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी. सो देयर इज ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, चलो यही सारी चीजें पूछ सकते हैं, ज्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन. दोबारा दो स्टेटमेंट्स. ट्रेजरी बिल्स आर यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर यूज्ड टू फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स अप टू थ्री ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट. ट्रेजरी बिल्स फंक्शन एज requirements of SLR of the banking institutions. Okay, which of the following are correct? Two only. Why one is not correct then? 1 year short term मतलब 1 साल होता है. ठीक है, treasury bills भी 3 तरह के हैं. treasury bills for 91 days, 182 days, 364 days. अब 364 is obviously less than 365. That means it's less than 1 year. उससे ज़्यादा के होंगे नहीं. Clear? दूसरी statement क्या है? SLR की requirement. SLR किस form में रख सकते हो? Government bonds, treasury bills are government bonds. Government borrowings ही हैं. Gold में रख सकते हो, treasury bills में रख सकते हो, cash form में रख सकते हो. So second statement is also true. First statement is false.
नेक्स्ट लिखो, ये नई चीज ही इंट्रोड्यूस हुई है. द साउथ एशियन एनिग्मा, अंडरलाइन करना, द साउथ एशियन एनिग्मा, अ टर्म समटाइम्स यूज्ड इन सीन इन न्यूज. द साउथ एशियन एनिग्मा, अ टर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज, refers to the paradox, refers to the paradox of having recently experienced, paradox of having recently experienced fast economic growth, fast economic growth. ठीक है, options लिखो. ऑप्शन ए, विदाउट ट्रांसलेशन इनटू, विदाउट ट्रांसलेशन इनटू इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, विदाउट ट्रांसलेशन इनटू इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन. नंबर टू, विदाउट सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, सॉरी नॉट विदाउट, विद, विद सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन inequality, with, next likho, third C, with deterioration in, C is deterioration in human development indices, deterioration in human development indices, this is option C, and D is ABC, D is all are correct. आंसर क्या होगा, समझ आया? साउथ एशियन एनिग्मा का मतलब क्या है कि ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रही है बट ये सारी चीजें हो रही है, कौन सा सही है? वन ओनली पढ़ा हुआ है, किस किसने सुना हुआ है ये? ठीक है, साउथ एशियन एनिग्मा पता क्या है कि ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रही है बट दैट ग्रोथ इज नॉट बींग ट्रांसलेटेड इन टू न्यूट्रिशनल आउटकम्स, अच्छे नहीं है. आज भी हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत ऊपर है, तो ग्रोथ तो हो रही है बट उस ग्रोथ का फायदा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़ो, अंडर फाइव नरिशमेंट जो, या चाइल्ड नरिशमेंट रेट्स है ना, जो चाइल्ड अंडर नरिशमेंट रेट्स हैं, उसमें हम इथियोपिया से भी पीछे हैं, इंडिया इथियोपिया से भी पीछे है एज फार एज जो हमारे बच्चे हैं नरिश्ड कितने हैं, मैल नरिश्ड बहुत ज्यादा है. तो इसीलिए साउथ एशियन एनिग्मा का आंसर इसका है ए, नॉट इनइक्वालिटी, नॉट अदर्स, द आंसर इज ए. Next, consider the following statements about, consider the following statements about agriculture export policy 2018, agriculture export policy 2018. करा दिया, दोबारा करा दें, once more, what's that? Number one, the policy aims to double agricultural exports, the policy aims to double agricultural exports by 2022, by 2022. Number 2, department of agriculture is the nodal department, is the nodal department. ठीक है, number 3, it promotes indigenous organic traditional and non-traditional, indigenous, organic, traditional and non-traditional agricultural product exports, agricultural product exports. ठीक है, which of the following are correct, तीन statements में से, one and three, क्यों? अच्छा कर चुका हूं, okay, second why, because it is under ministry of commerce. ठीक है,
अगला सवाल मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैम मॉडल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैम. हैम क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. हैम मॉडल, ठीक है. नंबर वन, इट इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ, इट इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ बीओटी. बीओटी क्या था? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. इट इज द न्यू वेरिएंट ऑफ बीओटी, ठीक है. नेक्स्ट, द डेवलपर बियर्स, द डेवलपर बियर्स ऑल द रिस्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट. द डेवलपर बियर्स ऑल द रिस्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है. स्टेटमेंट थ्री, रिसेंटली मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड अंडर हैम. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन एंड थ्री. थ्री ओनली क्यों? हाँ, ईपीसी अलग है. बीओटी का वेरिएंट क्या होगा? टोल मॉडल और एन्युटी मॉडल. बीओटी के वेरिएंट्स अलग है. हैम क्या है? हाइब्रिड है बीओटी और ईपीसी का. वेरिएंट नहीं है बीओटी का. पता है ना पीपीपी प्रोजेक्ट्स का, बीओटी का बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. उसका रोड जो बनती है वो क्या होता है? प्राइवेट पार्टी बनाती है, या तो प्राइवेट पार्टी ही टोल कलेक्ट करती है या गवर्नमेंट टोल कलेक्ट करती है और प्राइवेट पार्टी को कुछ पैसा देती रहती है. सो क्या है? बीओटी एन्युटी, बीओटी टोल, ठीक है. ये तो हो गए वेरिएंट्स बीओटी के, क्लियर. अब बीओटी का वेरिएंट तो नहीं है हैम. हैम क्या है? बीओटी प्लस ईपीसी का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है. तो पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? प्राइवेट डेवलपर बियर्स ऑल द रिस्क. नहीं, टोल कलेक्ट करने का भी रिस्क किसके पास है? इसमें गवर्नमेंट है, प्राइवेट पार्टी नहीं करेगी. रेगुलेटरी क्लियरेंसेस का रिस्क किसके पास है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी और बहुत सारी क्लियरेंस लेनी, किसके पास है? गवर्नमेंट. तो सारे रिस्क प्राइवेट पार्टी पे तो है नहीं. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? हाँ, रिसेंटली मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड अंडर दिस. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई कॉमर्स सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई कॉमर्स सेक्टर आर ट्रू इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई कॉमर्स सेक्टर आर ट्रू इन इंडिया, ठीक है. नंबर वन, अंडर मार्केट प्लेस मॉडल, अंडर मार्केट प्लेस मॉडल गुड्स सोल्ड ऑन द पोर्टल, गुड्स सोल्ड ऑन द पोर्टल आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ई कॉमर्स कंपनी, बाय द ई कॉमर्स कंपनी. नंबर टू, अंडर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, द ई कॉमर्स पोर्टल सिंपली एक्ट्स एज एन इंटरफेस between buyers and sellers. And third statement, FDI is allowed in marketplace model. Which of the following is true? Three only. उल्टा लिखा हुआ है.
इन्वेंट्री बेस्ड होता है जिसमें कंपनी ओन करती है, अमेजोन के ही सारी चीजें होंगी जो वो बेच रहा है, पर अमेजोन में क्या है, बायर और सेलर को मैच कराने का पोर्टल है, विच इज अ मार्केट प्लेस मॉडल. मार्केट प्लेस में क्या होता है, बायर्स और सेलर मैच होते हैं. इन्वेंट्री में क्या होता है, जो ई कॉमर्स जायंट है वही बेच रहा है, वही ओन करता है सामान. क्लियर? एक और लिख लो बस, ये क्वेश्चन रहने दो, ये ना ऐसे लिख लो बस, कमिटीज के नाम है, दो कमिटीज हैं, ठीक है, उनके नाम लिख लो, क्वेश्चन में क्या ही फायदा. लिखो वाई एम देवस्थली कमिटी, DEO STHA, DEO STHA LEE, YM देवस्थली कमिटी, ठीक है, ये RBI ने बनाई है. इट इज अ टास्क फोर्स ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री फॉर इंडिया. इट इज अ टास्क फोर्स ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑन इंडिया. ठीक है, व्हाट इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री? लेजर. वही ऐसे क्यों था कि यार पता तो है, शब्द नहीं मिल रहे मुझे, ऐसा है. ओके, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री वुड बी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी कंपनीज की, किस कंपनी ने कितना डेट लिया है, कब डिफॉल्ट करा है, सारे पैन इंडिया लेवल पे एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होगी. उसका फायदा क्या होगा, सबका क्रेडिट स्कोर भी होगा. क्रेडिट रजिस्ट्री में क्या होगा, एक कंपनी है, जितनी भी कंपनीज है इंडिया में बड़ी बड़ी, उनके लोन की डिटेल्स होंगी, उन्होंने कब क्रेडिट लिया था, कब टाइम पे चुकाया था, कब नहीं चुकाया था, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी. इस इंफॉर्मेशन का फायदा, एक इंफॉर्म डिसीजन ले पाएंगे बैंक्स कि यार इस कंपनी को नहीं देते, इसके तो डिफॉल्ट के रेट ज्यादा हैं, राइट? केवाईसी अच्छा होएगा. तो इसी को बनाने के लिए कमिटी बिठाई थी RBI ने, ताकि विलफुल डिफॉल्ट से डिफॉल्ट्स ना हो फ्यूचर में. क्लियर? नो नो, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, बिग बिजनेस हाउसेस. हाँ. नेक्स्ट लिखो वाई एच मालेगाम. अगेन ये कमेटी RBI के अंडर बनी है, एंड इट विल लुक इनटू इश्यूज रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ bad loans, comma, rising incidents of frauds and effectiveness of audits. ठीक है, पक्का? कोई डाउट किसी को कुछ भी अभी तक जो करा है? नहीं, चलो.